अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दादी माँ के बेस्ट टिप्स महिलाएं समय निकालकर ज़रूर सुने, स्वास्थ्य से लेकर सेहत तक बहुत काम आएंगे। नंबर एक, कटहल के बीजों में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी मौजूद तत्व होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने में काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं और हड्डियों की बीमारियां भी कुछ हद तक कम हो जाती हैं। नंबर दो, सोने से पहले गुड़ के एक टुकड़े को गर्म पानी के साथ खाने से पथरी टूटकर और यूरिन के साथ बाहर निकल जाती है, साथ ही गुड़ खाने से हड्डियों के दर्द में भी आराम मिलता है। नंबर तीन, ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि जब वो टूथब्रश करते हैं तो टूथब्रश में इतना पेस्ट लगा लेते हैं कि वो हमारी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। नंबर चार, माइग्रेन एक गंभीर सरदर्द है जो नर्वस सिस्टम को किसी पुरानी समस्या के कारण हो सकता है। माइग्रेन के दर्द में राहत पाने के लिए अपनी डाइट में मैग्नीशियम ए, विटामिन B12 और विटामिन B6 जैसे पोषण तत्वों का सेवन कर सकते हैं। मैग्नीशियम पोटेशियम और नर्वस सिस्टम को सही करने में काम करने के लिए ज़रूरी है, जो माइग्रेन के लक्षणों को कम करने में मदद करता है, जबकि विटामिन B12 दिमाग के नर्व को होने वाली सूजन से कम करने में और माइग्रेन को बढ़ाने से रोकता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन B6 न्यूरोट्रांसमीटर को नियमित करने में मदद करता है। नंबर पाँच, बादाम का तेल और जैतून का तेल लगाने से चेहरा गोरा होता है। नारियल के तेल भी लगाया जाता है, लेकिन नारियल के तेल को किसी और चीज़ के साथ यानी दूध और नींबू के रस में मिलाकर लगाने से ज़्यादा गोरा स्किन मिलती है और तिल का तेल में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। अगर सरसों के तेल में बेसन मिलाकर लगाएं जाए तो इससे भी गोरी त्वचा मिलती है। नंबर छः, पेट में गैस बनने से राहत पाने के लिए खाने के समय अपना मुंह बंद कर खाएं ताकि हवा ना निकले और धीरे धीरे चबाकर खाएं। ध्यान रखें, भूख को उतना ही खाएं जितना खाना चाहिए। भूख पानी पिए भोजन के 30 मिनट बाद अजवाइन सौंफ जीरे का काढ़ा पिए, नींबू का रस व अदरक एक चम्मच लें, फिर उसमें थोड़ा सा काला नमक के बाद इसे पाचन शक्ति अच्छी होती है और गैस की समस्या भी दूर होती है। नंबर सात, जब भी आप घर से बाहर जाएं कभी भी भूखे पेट ना निकलें, चाहे कुछ भी हो हल्का फुल्का खाकर जाएं। नंबर आठ, अजवाइन काला नमक और हींग का मिश्रण पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है और कब्ज, गैस, एसिडिटी आदि समस्याओं से राहत दिलाता है। हींग और अजवाइन में मौजूद तत्व आंतों की गति को सुधारते हैं जिससे भोजन का पाचन ही ढंग से होता है। अगर आप पेट में दर्द हो रहा हो तो इस मिश्रण का सेवन करने से तुरंत राहत मिल सकती है। अजवाइन और हींग के एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो पेट के दर्द को और मरोड़ों को कम करने में मदद करते हैं। नंबर नौ, बारिश में नहाने से शरीर के हार्मोन्स को संतुलन करने का एक अच्छा तरीका है। नंबर 10, बारिश का पानी सॉफ्ट होता है और इससे कई तरह के मिनरल होते हैं। इससे अल्कालाइन पीएच भी होता है जो बालों को मजबूत बनाता है और डलनेस दूर करता है। बारिश का पानी त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है, ये त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और शरीर में चिपकन गंदगी को बाहर निकालता है। नंबर 11, दही और आलू का फेस पैक बनाकर आप चेहरे को निखार सकती हैं। इसके लिए आपको आलू के स्लाइस कर मिक्सर में डालकर एक पेस्ट बना लेना है। उसमें एक चुटकी हल्दी और दो चम्मच दही मिलाकर अब इस पे अपने फेस पर अप्लाई करें। 10 से 15 मिनट बाद साफ पानी से चेहरे को धो लें। इससे बाद एलोवेरा जेल से मालिश करें। नंबर 12, ग्रीन टी बैग का इस्तेमाल करने से के बाद इन्हें फेंके नहीं, इसके बजाय आप इसे फ्रिज में रखकर जमा लें। दिन में एक बार आंखों के चेहरे पर 15 मिनट रखें। ग्रीन टी के मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आंखों की स्किन को न्यूट्रल देकर हेल्दी बनाते हैं। नंबर 13, आपको चाय सर्व करने के थोड़ी देर के अंदर ही चाय को पी लेना चाहिए। कुछ लोगों की चाय को जब ठंडी हो जाती है वो उसे दोबारा गर्म कर पी लेते हैं, लेकिन चाय को बार बार गर्म करने की आदत आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। इस तरह चाय को बार बार गर्म कर पीने की वजह से कैंसर जैसी जानलेवी बीमारी भी खतरा बढ़ा सकता है। इसके अलावा चाय को दोबारा गर्म करने से उसका टेस्ट भी बदल सकता है, इसीलिए चाय को सर्व करने में के बाद ही उसे पी लेनी चाहिए। ज़्यादा देर तक उबाली गई चाय आपको एसिडिटी, पेट दर्द और कब्ज जैसी पेट की जुड़ी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 14, अंजीर में कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार है। दूध और अंजीर का साथ से सेवन करने से हड्डियों को कमजोर होने से बचाया जा सकता है।
नंबर 15, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने पर सीने में दर्द हो सकता है। दरअसल जब दिल तक खून पहुंचने वाली नसों में बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो इस ब्लड सर्कुलेशन में प्रभावित होता है, इसके कारण आपको सीने में दर्द महसूस हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप फौरन किसी डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर 16, घी में स्कैल्प की मसाज करने से बालों में प्राकृतिक चमक आती है जिससे वे अधिक स्वस्थ और जीवंत दिखते हैं। घी में मॉइस्चराइजिंग, हीट स्टाइलिंग और केमिकल ट्रीटमेंट के बालों को होने वाले नुकसान से मरम्मत करने में मदद मिलती है। नंबर 17, बरसात के मौसम में अगर आपको फ्लू से बचना है तो आप चाउमीन, जंक फूड या बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दें। बाहर का खाना खाने से आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लग जाती है जिससे कि हद से आप बीमार पड़ सकते हैं। नंबर 18, पीतल के बर्तनों में पके हुए खाने या चाय में ज़्यादा मात्रा में जिंक मौजूद होता है जो शरीर में ब्लड काउंट को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा इन बर्तनों में बना खाना ब्लड को प्योरीफाई भी करने में मदद करता है। पीतल के बर्तनों में कभी भी एसिड फूड्स जैसे नींबू, टमाटर न पकाएं। ऐसे भोजन जिसमें खट्टा तत्व या एसिड मौजूद हो पीतल के बर्तनों में पकाने में शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 19, सब्जियों के साथ दूध पनीर शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। कुछ सब्जियां विशेष रूप से जो खट्टी या अम्लीय होती हैं जैसे टमाटर, खट्टे फल और पत्तेदार सब्जियां दूध के साथ मिलकर शरीर को नुकसान करती हैं। इसके सेवन से पाचन अग्नि को नुकसान होता है और सूजन, गैस या उपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 20, हृदय रोग में अरबी खाना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अरबी त्वचा को, रूखेपन और झुर्रियों को भी दूर करती है। नंबर 21, पान के हरे पत्ते में आधे चम्मच रस में 2 चम्मच पानी मिलाकर प्रतिदिन सेवन करने से पेट के घाव, अल्सर के दर्द में आराम मिलता है। नंबर 22, बच्चों को अक्सर उल्टी, दस्त, एसिडिटी, पेट में गैस की दिक्कत अक्सर होती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए बच्चों को इलायची वाला या मिक्स ड्राई फ्रूट वाला दूध पिलाएं। नंबर 23, चेहरे की झाइयाँ हटाने के लिए बनाएं ये पोटली, दूर हो जाएंगे सारे दाग धब्बे। 1 कप चावल, 1/2 कप आलू, 1/2 टमाटर, 1/2 चुकंदर पानी में डालें। इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह पका लें जब तक कि ये गल ना जाएं। अब इस सारी चीज़ों को किसी मलमल के कपड़े में बांध लें, फिर इसे हल्के हाथ लगातार निचोड़ें जिससे गला हुआ तत्व मलमल के कपड़े से बाहर आ जाए। अब इस हल्के से गर्म मिक्सचर वाली पोटली को चेहरे पर रगड़ें और रात भर के लिए छोड़ दें। इस पोटली को किसी साफ कटोरी में करकर फ्रिज में रख दें और जब आप लगाना हो तो बस निकाल कर गर्म कर लें, कटोरी सहित गर्म कर लें। ये जिससे कि जो बाहर पल्प है और पोटली में जो पल्प है वो अच्छी तरह से फेस पर ऑब्जर्व कर ले। रोज़ाना ये सप्ताह में 3 से 4 बार करने से, पोटली की मसाज करने से हफ्ते भर के बाद दूसरी पोटली तैयार कर लें। कुछ महीनों तक लगातार इस्तेमाल करने से चेहरे की रंगत में फ़र्क आएगा। नंबर 24, जिन बच्चों की उम्र में चश्मा लग गया हो उन्हें 100 इलायची, बादाम और मिश्री तीनों के दूध मिलाकर पिलाएं। इससे आंखों को स्वस्थ रहने के लिए शरीर में ताकत मिलेगी। नंबर 25, 1 चम्मच चिरौंजी को पीसकर उसे 1 गिलास गर्म दूध में मिलाकर पीने से इसे शारीरिक कमजोरी को दूर होती है। नंबर 26, अगर मस्से की समस्या है तो आप एलोवेरा जेल से मालिश करें। नंबर 27, जिन लोगों को एलर्जी की दिक्कत है उन्हें लस्सी का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे एलर्जी और बढ़ सकती है। नंबर 28, अगर चेहरे पर दाने हैं तो आप नीम की पत्तियों को पीसकर दानों पर लगा लें, इससे आराम मिलेगा। नंबर 29, गले में खराश है तो सुबह सौंफ चबा लें, इससे आपकी खराश दूर हो जाएगी। भैंस के दूध में खजूर और उबालकर खाने से लंबाई बढ़ती है और शरीर हृष्टपुष्ट रहता है। नंबर 31, यदि आपको फूलने की बीमारी हो तो रोज़ाना आम का सेवन करें। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार्य के लिए है, अवश्य अपनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी बताई गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसी ही जानकारी और टिप्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे बहुत जल्द।